दोस्तों आने वाले अप्रैल से हर एक बाइक एंड स्कूटर में या तो ABS या फिर CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कंपलसरी हो जा रहा है। तो यामाहा ने भी अपना जो बाइक्स एंड स्कूटर्स है उनको अपडेट करेगा। एंड मैं जो दोस्तों ये रिव्यू बना रहा हूँ ये जनवरी में है, लगभग फरवरी में हर एक स्कूटर और हर एक बाइक का यामाहा का हर एक जो बाइक एंड स्कूटर है उसमें आपको या तो ABS या फिर UBS यानी कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों ये एक यामाहा का बहुत ही पॉपुलर मॉडल है रेस ZR आर्माडा ब्लू एडिशन, और ये एक स्पेशल कलर्ड एडिशन है यामाहा की तरफ से, क्योंकि रेसिंग ब्लू जो है ये यामाहा का जो पेटेंटेड कलर है, जो DNA कलर है रेसिंग ब्लू, जैसे कि यामाहा का कॉल ऑफ द ब्लू कैंपेन हुआ था वही कलर इसमें दिया गया है। एंड ये जो दोस्तों ये जो स्कूटर है ये मैं पहले भी रिव्यू बना चुका हूँ और इनका जो बाकी सारे रिव्यूज़ है वो मैं डिस्क्रिप्शन पोर्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके इसका लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक स्पेशल एडिशन है जो कि आर्माडा ब्लू है एंड बहुत ही सुंदर एक लुक से, एक मोटर स्कूटर लुक में ये दिया गया है एंड एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटर है अमंग यंगस्टर्स। एंड इसमें इसका जो कोई डाउनसाइड्स एंड पॉजिटिव साइड्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मोटर स्कूटर डिज़ाइन इसमें दिया गया है, साइड में आपको श्राउड्स मिल जाता है, एक्सटेंशंस मिल जाता है, बॉडी एक्सटेंशंस एंड हाई टेक परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो इसमें हेडलाइट एंड जो टर्न इंडिकेटर्स है वो बॉडी पर माउंटेड है एंड सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक एंड पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेकिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसमें एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का यूज़ इसमें किया गया है जो इसका राइडिंग कंफर्ट और राइड क्वालिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है दोस्तों वो हालांकि वो एनालॉग है लेकिन जो ये बहुत ही स्टाइलिश है एंड इसका जो की मैकेनिज्म है इसमें आपको लॉक मैकेनिज्म मिल जाएगा, छोटा सा एक स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाता है। तो अगेन ये एक जो कन्वीनियंस है कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कूटर यामाहा की तरफ से है एंड इसका जो सीट है दोस्तों वो भी सॉफ्ट है ताकि दो लोग आराम से इसमें बैठ के राइड कर सकें, काफ़ी ब्रॉड भी है। अगर दोस्तों हम इसका अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो अंडर सीट स्टोरेज 21 लीटर्स है जो कि बहुत ही बड़ा है स्कूटर्स के हिसाब से एंड इसमें आपको एक हाफ फेस हेलमेट और थोड़ा बहुत सामान भी आप इसमें रख सकते हैं। 5.2 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है एंड रेस ZR का जो ग्राफिक्स है वो भी आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा एंड जो ग्रैब रेल है वो भी एक अलग तरह की ग्रैब रेल इसमें दिया गया है। एंड पीछे की तरफ से दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें बाइक जैसे इंडिकेटर्स एंड एक बड़ा सा टेल लैम्प एक स्पोर्टी लुक दे देता है। पीछे आपको दोस्तों यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन एंड सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। दोनों ही तरफ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं 90x100 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर्स। एंड दोस्तों अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इंजन वही सेम इंजन है 110cc का जो यामाहा हर एक स्कूटर में यूज़ करता है, एयर कूल 4-stroke 2-valve 113cc का इंजन जिसका पावर है 7.2 PS, टॉर्क है 8.1 Nm। अब दोस्तों इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा है, 45 से लेकर 50 किलोमीटर्स में आपको मिल जाएगा इसका माइलेज। लुक्स बहुत अच्छा है, इंजन का जो रिलायबिलिटी है इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है एंड इसका जो लोअर पावर एंड टॉप फिगर्स है एज कम्पेयर टू अदर स्कूटर्स वो आपको महसूस नहीं होगा जब आप चलाएंगे तो। और इसका अगर हम डाउनसाइड्स की बात करें दोस्तों तो इसमें स्मॉलर व्हील्स दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि अगर थोड़ा सा लार्जर व्हील्स दे देता तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 130mm है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर बढ़ा देता तो अगेन एक अच्छा आपको राइडिंग एक्सपीरियंस मिल जाता क्योंकि ये टकराने का खतरा नहीं रहता बम्पर से। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में है वो 57,200 रुपीज़ है। दोस्तों यही था एक छोटा सा इसका प्रोज एंड कॉन्स का रिव्यू। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।